बच्ची है पल्लवी, बहुत शैतान है, वहीं गया था पहली बार और ये भी वहीं जाता है। इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का यही हाल है, लास्ट में रख दो यार। यहीं पे एक्सीडेंट हो गया था गुड्स ट्रेन का। शादी में जा रहे हो ना सब? चलिए, ठंडा हो गया है लेकिन क्या करें, मजबूरी इस ट्रेन में अभी तक भोपाल तक ना ही टिका है भाई तुम लोग के पास। हम कहाँ लेके, स्टाफ को अब ढूंढ रहे हैं वो। बाय 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 बाय, ऐसा ना हो डुप्लीकेट हो चाचा। देखने में जैसे लग रहा है सरसों का तेल है। जी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी हम लोग हैं इंदौर रेलवे स्टेशन पे और आज की जो ट्रेन जर्नी है वो होने वाली है हम लोग की ट्रेन नंबर 18233 नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना इंदौर और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है। और मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करती, ये जो ट्रेन है ना शाम 4 बजे इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकलती है और आपको अगले दिन दोपहर 1:30 पे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुँचाती है, जो कि आता है छत्तीसगढ़ में। टाइम हो रहा है 3:19 और अपनी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और इसमें लोकोमोटिव लगा हुआ है झांसी का WAP-4 लोकोमोटिव। ऐसे नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में आज हम लोगों की जो जर्नी है वो होने वाली है स्लीपर क्लास में। कोच है S5, सीट है 39, साइड लोअर है लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया भाई, RAC सीट मिला है। अब क्या करें, जर्नी तो करना है, चाहे RAC सीट मिले चाहे कंफर्म सीट मिले। अब एक बार मूड बन गया कि भाई ट्रैवल करना है इस ट्रेन में तो करना है। ये रही अपनी कोच S5। वैसे ट्रेन अभी जस्ट आई है इंदौर, वैसे इंदौर में अपनी इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 10:55, लगभग 4:40 डिले पहुँची आज ये ट्रेन। और मुझे ऐसा लगता है कि आज साफ सफाई भी नहीं होगा, ये रैक वापस चले जाएगी अभी बिलासपुर, टाइम ही नहीं बचा ना। ये रहा सीट 39। ये दो पानी का बोतल दीजिएगा, रेल नीर। यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर मिले हैं तो चलिए इनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम उत्कर्ष दत्त चौबे है। अच्छा, इस ट्रेन में मेरी मदर सफर कर रही है। कौन से कोच में? B1 या B2 कुछ कोच है। अच्छा, तो उससे वो जा रही है। ये बिलासपुर जा रही है? बिलासपुर जा रही है। अच्छा, आप प्रॉपर का इंदौर से ही हो? प्रॉपर इंदौर से नहीं है, रीवा से हैं। जी, तो मम्मी बिलासपुर जा रही है रीजन? नानी का घर। वीडियो कैसा लगता है? वीडियो बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल भाई। अभी रामायण एक्सप्रेस के बारे में बात हुई, काफी अच्छा लगा, मोनु भैया ने सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, जो सच है वो बताया तो वो बहुत अच्छा लगा। अभी क्या है कि ये भी प्लान कर रहे थे अपने मम्मी पापा को, मतलब रामायण एक्सप्रेस में आगे मतलब फ्यूचर प्लान कर रहे थे कि वो भी उसमें ट्रेवल करें, तो हमने जो रियल फीडबैक है, वैसे तो वीडियो में हम दे ही चुके हैं, इनको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, अब ये डिसाइड करेंगे कि ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे समझ से खुद से आइटिनरी बनाइए और ट्रैवल कीजिए, बेस्ट है। मोनू भैया से एडवाइस ले लिया, अब इनसे अच्छी ट्रेन की एडवाइस तो कोई दे ही नहीं सकता है, तो फिर वही करेंगे। चले मिलकर काफ़ी अच्छा लगा इनसे। ये पानी कैसे आ गया भाई, अभी तो पानी नहीं था, यहाँ से यहाँ पूरा पानी लगा हुआ है, इधर भी ये लगता है साफ सफाई हो रहा है क्या। ये देखिए टाइम हो रहा है 4 और अभी भी ट्रेन अपनी यहाँ खड़ी है, साफ सफाई हो रहा है, अभी बारिश हो रहा है, देखिए धूप भी है बारिश भी हो रहा है, मस्त मौसम है। तो 4:16 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। वैसे अपनी डिपार्चर का टाइम था यहाँ से 4:00। ट्रेन हम लोग की डिले पहुँची थी, इस वजह से डिपार्चर भी डिले हुआ है। वैसे कोच की साफ सफाई नहीं हुई है लेकिन वाशरूम की साफ सफाई हुई है यहाँ पर। तो आज हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है विनायक और ये उसका भाई प्रियांश। ओए इधर देखो, प्यारा सा बच्चा। कहाँ कहाँ, ओए पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रहा है, फर्स्ट टाइम। तो विनायक फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है ट्रेन में और ये प्रियांश सेकेंड टाइम। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ट्रेन में? अच्छा लग रहा है। ये भी वहीं गया था पहली बार और ये भी ये वहीं जा रहा है। अच्छा, नानी के पास। सही है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, कैंपर था बगल वाले पैसेंजर का, वो लीक कर रहा था, पूरा पानी देखिए आ गया यहाँ तक।
मेरा कपड़ा वाला लगेज नहीं था, नहीं तो गीला पड़ जाता, इसलिए छोड़ दिए हैं। ये सब लगेज जो है ना कपड़ा वाला। तो पानी देखिए इधर से पूरा यहाँ आ गया लगेज के नीचे। इसको तो पकड़ पड़ी है, किनका है, किन किनका है, लिख है। अरे वो बंद करो, क्या होना, केले लिख होगा किनका, क्या नहीं है, तो बाहर साइड कर दो यार, पूरा पूरा इधर देखो लगेज, पूरा गीला गीला कर दिया, पूरा लगेज सब का बिन गया भाई। कोई फूट तो नहीं रही है बाहर, लास्ट में रख दो यार, पेपर नहीं ना रखा पानी उधर। लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट उज्जैन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है UJN, और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 15 मिनट का। वैसे उज्जैन में अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम के 5:40, और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 10 मिनट डिले। वैसे प्लेटफॉर्म यहां 8 है, और अभी फिलहाल यहां रोजाना 156 ट्रेन आकर रुकती है। उज्जैन को हम लोग महाकाल की नगरी भी कहते हैं। देखिए कितने सारे पैसेंजर उज्जैन रेलवे स्टेशन से बोर्ड कर रहे हैं कि जाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है भाई साहब। उज्जैन रेलवे स्टेशन से ये गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा ले रहे हैं, 20 का एक है। ऐसे पोहा भी मिल जाएगा, कचौड़ी भी मिल जाएगा, और चाय भी मिल जाएगा। और देखिए ब्रेड पकौड़े के ऊपर नमकीन वगैरह डाला गया है और चटनी वगैरह डाला गया है। वैसे ब्रेड पकौड़ा जो है ये बिल्कुल गर्मा गर्म है। सही है। और यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर हैं, ये साथ में ट्रेवल कर रहे हैं अपने ही कोच में। चाय कैसा लगा? बढ़िया। ठीक है, कितने का दिया? 10 का। 10। चलिए। लगभग 15 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है उज्जैन रेलवे स्टेशन से। और उज्जैन से भाई साहब इस ट्रेन में इतने पैसेंजर बोर्ड किए हैं ना कि सही से खड़ा होने का भी जगह नहीं है स्लीपर क्लास में। ये हाल है, मतलब ये भोपाल तक होगा, इटारसी भोपाल तक यही कंडीशन होने वाला है। वेटिंग वाले लोग बहुत सारे बोर्ड किए हैं इस ट्रेन में, क्या किया जाए भाई। और नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन का लोको रिवर्सल हुआ है उज्जैन रेलवे स्टेशन पे। भाई देखिए क्या हाल है कोच का, बाहर क्या मस्त सनसेट हो रहा है। तो इस ट्रेन में साइड पेंट्री है, और साइड पेंट्री में देखिए पानी का बोतल रेलनी की जगह क्या बेचा जा रहा है। ऐसे हम सोचे थे डिनर जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करते, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि इस ट्रेन में साइड पेंट्री भी है। तो हम आ गए साइड पेंट्री खोजते हुए, तो B1 कोच में भी फिलहाल खड़े हैं। साइड पेंट्री का सामान B1 कोच में ही रखा हुआ है, और साइड पेंट्री में इस ट्रेन में आपको लोकल पानी बेचा जा रहा है रेलनी की जगह पे, और खाने का भी ऑर्डर लिया जा रहा है। खाने का ऑर्डर जो है ना ये उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाद ही ले लिया जाता है इस ट्रेन में, और उसके बाद खाना देना स्टार्ट हो जाता है। और वेज थाली 120 की वेज थाली बेची जा रही है, जबकि होता है 80 का, लेकिन वो बेच रहे हैं 120 का, 40 रुपये बढ़ा के बेच रहे हैं। ठीक है, वो तो बाद में बात करेंगे, पहले हम खोज रहे हैं मैनेजर को, मैनेजर सर आएंगे उनसे हम बात करेंगे। वैसे यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर मिले हैं, ये B1 कोच में ही ट्रैवल कर रहे हैं दोनों लोग, और बिलासपुर से ही हो ना? बिलासपुर से ही। वीडियो कैसा लगता है ये बताओ? बहुत अच्छा, बढ़िया लगता है। यहाँ इंदौर में पढ़ाई करते हो क्या? नहीं है, गांव घूमने आए थे। उज्जैन आया था? अच्छा, उज्जैन में ही लोग आए थे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल दर्शन करने के लिए, उसके बाद ये लोग जा रहे हैं। फैमिली के साथ हैं ये लोग, B1 कोच में है। मेरा तो S5 है, हम तो साइड पेंट्री के तलाश में यहाँ आ गए थे, सोचे खाना वगैरह मिलेगा, लेकिन मैनेजर वगैरह कोई नहीं है, सब ना पता है। यहाँ से जैसे ही आते हैं तो फिर से थाली लेंगे, खाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे इस ट्रेन का साइड पेंट्री का खाना कैसा है, और हाँ बिल भी लेंगे।
तो लगभग 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं सुजालपुर रेलवे स्टेशन और यहां पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अपनी ट्रेन का नर्मदा एक्सप्रेस का सुजालपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है 7:40 और हम लोग और अभी टाइम हो रहा है 8:10, मतलब लगभग आधा घंटा डिले हम लोग पहुँचे। वैसे अपनी ट्रेन जो है नर्मदा एक्सप्रेस वो टोटल 1006 किलोमीटर की दूरी तय करती है 49 हॉल्ट के साथ लगभग 21:30। तो लगभग 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है सुजालपुर रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है SJP, पता नहीं अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अंधेरा हो गया। यहाँ पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था और सुजालपुर रेलवे स्टेशन ये मध्य प्रदेश के सुजापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है 7:40 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 30 मिनट डिले 8:10 पे पहुँची है। वैसे अपनी जो ये ट्रेन है ना ये टोटल 1006 किलोमीटर की दूरी तय करती है 49 हॉल्ट के साथ लगभग 21:30 में। तो उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाद इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का यही हाल है, सारे कोच का, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस कोच की मैं बात कर रहा हूँ, हर कोच का यही कंडीशन है। वाशरूम के बाहर में भी लोग बैठे हुए दिख जाएंगे, पूरा पैक है भाई। कुछ देर बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं सीहोर रेलवे स्टेशन और अब तक हम लोगों ने लगभग 225 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। TT सर का वेट कर रहे हैं कि TT सर आएंगे तो बताएंगे कि भाई RAC सीट वाले साथ में जो मेरे को पैसेंजर हैं अभी तक तो आए नहीं हैं, तो कौन है, कहाँ से बोर्ड करेंगे, उसका कुछ भी अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। शायद पीछे से ही बोर्ड करना होगा, इनको शायद नहीं बोर्ड किए होंगे, हो सकता है। मतलब आएंगे TT सर तब तो पूछेंगे कि भाई जो पैसेंजर बोर्ड करना था इस सीट पे 39 पे वो कहाँ गए। मेरे कोच में जितना भी बच्चा पार्टी है किसी को नींद नहीं आ रहा, उसको भी नहीं आ रहा है और इसको भी नींद नहीं आ रहा है, खा रही है भुजिया। सो जा और बेचारा इसको लगा हुआ है भूख, खाने की तलाश में है कि साइड पेंट्री का स्टाफ आएगा खाने का ऑर्डर लेगा तो इसके भी थाली ऑर्डर कर देते, मतलब क्या करें अभी तक नज़र ही नहीं आ रहा है। वैसे सीट तो अपना RAC था, अगर पैसेंजर नहीं आएंगे तो ये सीट पूरा हो जाएगा कंफर्म, लेकिन मैडम का सीट था वहाँ मिडिल वाला तो उनसे हम एक्सचेंज कर लिए हैं, ये यहाँ अपना बैठ के जाएंगे। ये साथ में बच्ची है पल्लवी, बहुत शैतान है, इसको हमेशा कुछ ना कुछ खाना है, अभी खाना है आलू भुजिया अभी खा रही है, कुछ देर पहले ये खीरा खाई है और बैलून के लिए रो रही थी, ये ट्रेन से बाहर देख ली बैलून बिक रहा है तो हमको बैलून लेना है। बहुत बदमाशी करती है ये लड़की। अब को पैसेंजर है मतलब RAC सीट वाले अगर नहीं आएंगे तो हम वहाँ चले जाएंगे, मैडम अपना यहाँ रहेगी और मैडम का एक और लड़का है यहाँ पे बेचारा खाना का इंतजार कर रहा है कब से कि साइड पेंटी का स्टाफ आएगा खाने का ऑर्डर लेने के लिए, खाना मिलेगा लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, शायद डर गया कि क्या, समझ में नहीं आ रहा है, उसे पता चल गया कि हम ट्रेन में हैं। अभी हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है सीहोर रेलवे स्टेशन और यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ से भी बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड करने वाले हैं और कुछ पैसेंजर डिबोर्ड भी करेंगे यहाँ से। तो लगभग 40 मिनट से साइड पेंट्री के स्टाफ को अब ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। शुरू में खाना का ऑर्डर लिए थे उसके बाद पता नहीं गायब हो गए, पानी का बोतल भी वहाँ रखा हुआ था, कार्टून रखा हुआ था कैरेट, वो भी गायब हो गया B1 कोच में लगता है, पता नहीं शायद पता चल गया कि क्या। लेकिन जब ऑर्डर ले रहे थे उस वक्त तो हमसे पूछ रहे थे आपको खाना चाहिए क्या, हम बोले भाई अगर हमको चाहिए तो हम बता देंगे आपको, तो आपको मिल जाएगा सही रेट पे, ये चीज़ वो बोला। तो हम सोचे कि चलो भाई बाद में ऑर्डर कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जब गए पूछे भाई कहाँ पे पेंट्री कोच है, बोल दिया था B1 कोच में है आप आ जाइएगा। जब गए हैं तो अभी देखें सिर्फ पानी का बोतल रखा हुआ था, उसके बाद वो था ही नहीं, अभी पूरा खोज रहे हैं मिल ही नहीं रहा, लगता है शायद उतर गया क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब रात का डिनर तो करना है, अगर नहीं मिला पेंट्री का स्टाफ तो अब भोपाल में देखते हैं पोहा वगैरह लेंगे वही खाएंगे। टाइम हो रहा है 9:06 और ये लोग को देखो किसी को नींद नहीं आ रहा, सब अभी दे दो भैया को दे दो, भैया है ना वो, और ये रहा विनायक, सो जा बाबू सोना नहीं है, 12 बजे सोने का आदत है, मम्मी। तब कहाँ से नींद आएगा अभी। अच्छा हो गया भैया, कोई बात नहीं खेल, अब हो गया ना भैया का है वो।
लगभग 260 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट भोपाल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BPL और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। वैसे भोपाल में अपनी इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है रात के 9:45 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 20 मिनट डिले। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, कुछ खाने को लेते हैं क्योंकि भाई पेंट्री के स्टाफ भाग गए, सच बता रहे हैं, क्योंकि हम तो मतलब तो पूरा खोज लिए मिले नहीं, शुरू में ऑर्डर ले रहे थे उसके बाद फिर खोजते खोजते रह गए, फिर मिले ही नहीं। और वैसे जब वो ऑर्डर ले रहे थे तो हमसे वो पूछ रहे थे कि आपको लेना है तो आप बोलिए हम आपको ला के दे देंगे। हम बोले भाई वैसे थाली कितने में बेच रहे हो, तो 120 का बेच रहे हैं। बोले ये तो गलत कर रहे हो। उसके बाद पता नहीं उसके बाद से कहाँ गायब हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो भाई भोपाल रेलवे स्टेशन से ये थाली मिला है, अंडा थाली मिला, और ये थाली भी जो है ना भाई साहब ठंडा थाली है, मतलब ठंडा हो गया है, लेकिन क्या करें मजबूरी में यही खाना पड़ेगा। तो जैसे तैसे दूसरे के सीट पे आ गए, साइड अपर पे आ गए खाने के लिए, क्योंकि नीचे में तो बैठ के खा नहीं सकते, मिडिल बर्थ वाले जो थे ऊपर सीट ऊपर कर लिए हैं, तो नीचे बैठ के खाना पॉसिबल नहीं था। तो अभी चलिए अनबॉक्स करते हैं अंडा थाली और आपको दिखाते हैं, दिखाना क्या थाली में क्या, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। वैसे थाली जो है ना वो ठंडा हो चुका है, लेकिन क्या करें मजबूरी में खाना पड़ रहा है। ये रहा अपना अंडा थाली जिसमें जीरा राइस है, अचार है, दो अंडा है, साथ ही दाल दिया गया है, ये रहा दाल, और ये 3 रोटी है, और इसके नीचे सलाद रखा हुआ है। खाना तो हमने खा लिया लेकिन सिर्फ अंडा खाया और रोटी खाया, क्योंकि दाल जो था ना वो हल्का खट्टा हो गया था, वैसे भी खाना जो था वो ठंडा था, लेकिन अब क्या करें मजबूरी में खाना पड़ा। एक चीज़ है भाई, इस ट्रेन में अभी तक भोपाल तक ना ही TT ना ही RPF, दोनों के दोनों अब्सेंट हैं। बाहर के जो मतलब पैसेंजर हैं जो विदाउट टिकट वाले, दोनों गेट जाम है भाई, गेट बाथरूम के बाहर में बैठे हुए हैं, ये हाल है इस ट्रेन का। वैसे सीट हमने चेंज कर लिया, मिडिल बर्थ से अब आ गए साइड अपर में, और यहीं अपना बेड शीट बिछाते हैं और सोते हैं। और RAC सीट वाले जो को पैसेंजर थे उनका अभी तक आता पता नहीं। चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग गाइस। तो लगभग 688 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 35वां हॉल्ट कटनी साउथ रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट में आता है। वैसे अपनी ट्रेन का यहां पे 5 मिनट का हॉल्ट है, और अपनी ट्रेन का नर्मदा एक्सप्रेस का कटनी साउथ में पहुँचने का टाइम है सुबह के 6:50 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है बिल्कुल ऑन टाइम। और S5 कोच में ही अपने फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहे थे। क्या नाम हुआ भाई? सौर्य नाम हुआ। ये बताओ कि वीडियो कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। कल से ही इंतजार कर रहा था कि भैया कब लेंगे व्लॉग में, कब लेंगे फोटो क्लिक करवाना। हम बोले भाई सुबह हम ले लेंगे। वैसे ये डिवोट कर रहे हैं कटनी साउथ रेलवे स्टेशन पे ही, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं इनकी फैमिली है। तो सौर के ये पूरे फैमिली मेम्बर हैं, पापा मम्मी चाचा चाची सभी लोग हैं, सब लोग यहीं पर डिवोट कर रहे हैं, फिर यहाँ से लोग निकलेंगे। शादी में जा रहे हो ना सब? चलिए ठीक है, मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, मौका मिलेगा तो दोबारा फिर मिलेंगे। चलिए ओके ठीक है, बाय 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 बाय। सुबह 6 से ही विनायक उठ गया है, 6 उठा, 7 सोया, फिर 7:30 उठा, और अभी तक उठा हुआ। हाँ कैसे देख रहा है भैया, उठ गया भैया, उठ गया, गुड मॉर्निंग बोल दो। किधर है भैया तुम्हारा, किधर है आया? अभी टाइम हो रहा सुबह के 8:25। अभी कुछ देर पहले TT सर आए हैं और अभी जाकर टिकट चेक किया जा रहा है, मतलब कटनी तक, इंदौर से कटनी तक एक बार भी टिकट नहीं चेक किया गया, और कटनी के बाद अभी टिकट चेकिंग हो रहा है। हमने पूछा कि सर इससे पहले तो कोई आया ही नहीं, बताइए रात में विदाउट टिकट वाले इतने सारे पैसेंजर बैठे हुए थे कोच में, बाथरूम पूरा जाम था। तो बोले थे ये आज का नहीं है, ये हर दिन का है, रोज़ का यही है, कटनी के बाद ही चेकिंग होता है।
बाय 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 बाय। तो लगभग 815 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 40वां हॉल्ट शहडोल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है STL, और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। वैसे शहडोल में अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह के 9:35, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 1:30 डिले हम लोग यहाँ पहुँचे। वैसे प्लेटफॉर्म यहाँ 3 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना 63 ट्रेन्स आकर रुकती है। तो चलिए अब बताते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 4 जनरल क्लास, 4 थर्ड एसी, 1 सेकेंड एसी, 1 HA1 कोच के साथ, साथ ही इसमें 11 स्लीपर क्लास का कोच है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं एंड टू एंड, मतलब कि इंदौर से अगर बिलासपुर के बीच में इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में, तो उसका फेयर पड़ेगा आपको लगभग 490 रुपया, और आप थर्ड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 1320 रुपये। और एक चीज़, अगर आप शहडोल आते हैं तो यहाँ का आलू बड़ा फेमस है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ से अभी हमने लिया ये आलू बड़ा, ये मुझे पड़ा 20 का 2, इसको रखते हैं अंदर। निःशुल्क पानी की व्यवस्था थी यहाँ पे, रोटरी क्लब विराट शहडोल। तो शहडोल से हमने लिया था यहाँ का फेमस आलू बड़ा, काफ़ी नाम सुने हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है, वाकई में अच्छा है कि नहीं। वैसे सभी लोग जो बैठे हुए हैं ना, सभी लोग ट्राई किए हैं, कैसा लगा तुम लोगों को भाई? बढ़िया लगा। तो चलो हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। सही है भाई, बेसन के अंदर आलू वगैरह इसमें भरा गया है, स्टफिंग देखिए इसका, और आलू बड़ा के साथ ये हरा मिर्च दिया गया, और देने का तरीका देखिए पत्ता में दिया गया, ये सही है। तो कुछ दिन पहले इसी रूट में एक्सीडेंट हुआ था गुड्स ट्रेन का शहडोल के पास ही, तो वो अभी आने वाला, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई किस तरह से, मतलब ट्रैक पे से क्या हो गया, क्यों दे सब विद्यार्थी है, सब जा रहा है, सीसी में जा रहा है, बताइए कहाँ से लाएगा पैसा, है भाई तुम लोग के पास? गरीब आदमी लेके जा रहे हैं। हम कहाँ लेके जा रहे हैं, हम तो जानते भी नहीं, यहाँ दोस्ती हो गया, हम तो जानते भी नहीं है। इधर बैठ तू भाई, नहीं दस जाओ भाई। तो अभी आपने देखा, मतलब इन लोग से पैसा मांग रहे थे किन्नर भाई, दस दस निकाल सबसे निकाल। हम बोले भाई ऐसे पैसा देगा नहीं, 5 लोग हैं, 5 मेरे मिला के 6, बोला 60 रुपया निकाल। खास तौर पे जो अकेले रहते हैं ना, स्टूडेंट रहते हैं, उनको ज़्यादा परेशान करते हैं ये सीन। यहीं पे एक्सीडेंट हो गया था गुड्स ट्रेन का आज से कुछ दिन पहले। ये देखिए बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। माई सेल्फ आशीष साहू फ्रॉम JNV कटनी। माई सेल्फ असद रजा फ्रॉम JNV कटनी। अनुज साहू फ्रॉम JNV कटनी। माई सेल्फ काव्यांश फ्रॉम JNV कटनी। सर दिवाकर सिंह फ्रॉम JNV कटनी। सब JNV वाले हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं ना सब JNV कटनी से हैं, और अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? स्काउट कैंप में जा रहे हैं ये लोग, जा रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन पहुँच चुकी है अनूपपुर जंक्शन पे, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का, और हम लोग की ट्रेन अपने टाइम से लगभग 1.5 घंटा डिले चल रही है, और यहाँ से बहुत सारे पैसेंजर डिबोर्ड किए हैं। कोच एक तरह से आप कह सकते हैं लगभग खाली ही हो गया है, कुछ ही लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, एक इस स्टेशन पर चढ़ रहे हैं, अगले स्टेशन पर उतर रहे हैं।
जब इंदौर से अपनी ट्रेन निकली थी तो नज़ारा ऐसा नहीं था कोच का, पूरा पैक था भाई साहब, लोग यहाँ बैठ रहे थे, पूरा यहाँ बैठे हुए थे, इधर बैठे हुए थे, और अभी देखिए बिल्कुल खाली हो गई। बाबू जी 750 में आप गरीब ना हो जाएंगे ना मैं लखपति हो जाऊँगा, अपने खुद हाथ से निकाल के लाएगा। अच्छा अच्छा, कैसे पता चलेगा बढ़िया है कि नहीं है? वो रेसा पानी में डाल के पता चलेगा? पानी में नीचे बैठ जाए, असली शहद होगा तो नीचे बैठ जाना चाहिए, और कोई मिलावट है तो सब तरह खुल जाना चाहिए। इसमें मिला के देखो, मिलावट है थोड़ा पानी ऐसे पीता है आदमी। वो वाला छोटका वाला टेस्ट करवाइए, गिलास तो है ही नहीं ना, और तुलसी पत्ती डाल दीजिए, वो सुन लीजिए, जब वो छोटे छोटी आधा गिलास पानी बचे तो उसको निकाल के छान के 2-3 चम्मच खाली पेट रोज सुबह आप पीजिए, बच्चों को खिलाइए। देखिए बैठा है, ये इसी का कलर ही अलग है, तो देखिए ये अंदर गया क्या? हाँ नीचे शहद ही है, ये शहद है भाई, ऐसा ना हो डुप्लीकेट हो चाचा। 150 में बताए ना, ना गरीब हो जाएंगे ना मैं लखपति हो जाऊंगा। 100 रुपये हम दीजिए, बड़ी सीसी लेते तो कुछ भी काम करने वाली। 140 का है? 140 का हाँ। 100 रुपये हम दीजिए। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है? ठीक है, देखो यार डालो डालो लेना। अरे डाले, एक मुन्ना तो डाले, मुन्ना में दे दे उसको। हाँ कैसा, बढ़िया? देखने में जैसे लग रहा है सरसों का तेल है। कोल्ड ड्रिंक से तो बढ़िया है ना भाई, कोल्ड ड्रिंक से तो बढ़िया है। इसको लग रहा था कि मालिश करने वाला तेल है। हाँ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 45वां हॉल्ट, पिंडरा रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PND, और यहां पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अपनी ट्रेन का पिंडरा रोड रेलवे स्टेशन पे, बाय बाय बाय, चलो मिलते हैं फिर। वैसे नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन का पिंडरा रोड रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 11:30 पे ट्रेन यहां आती है और 5 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 1.5 घंटा डिले, 1 बजे हम लोग यहां पहुंचे हैं। और यहां से बिलासपुर रेलवे स्टेशन की जो दूरी है लगभग 100 किलोमीटर की, मतलब 100 किलोमीटर बचा हुआ, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे बिलासपुर रेलवे स्टेशन। और पिंडरा रोड से अमरकंटक की जो दूरी है वो लगभग 30 किलोमीटर की है, तो बहुत सारे लोग जो है यहीं उतरते हैं, डिबोर्ड करते हैं पिंडरा रोड रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से अमरकंटक जाते हैं। अमरकंटक जो है ये एक धार्मिक स्थल है, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए। इन लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, लव यू ब्रो। अपनी ट्रेन निकल चुकी है, चले चलते हैं बाय। और यहाँ पे जूस का स्टॉल भी है, फ्रेश फ्रूट जूस यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं आपको नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर क्लास का वॉशरूम का कंडीशन दिखाता हूँ। वैसे दिखाने लायक तो है नहीं, अब क्या किया जा सकता। जब ट्रेन जब हम लोग की आई थी ना इंदौर, लगभग 4.5 घंटा डिले पहुँची थी बिलासपुर से, तो ज़्यादा समय भी नहीं मिला साफ़ सफाई करने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हुआ। उसके बाद अभी चलते हैं, आपको कंडीशन दिखाते हैं कैसा है। वैसे पानी की समस्या पूरी जर्नी के दौरान नहीं हुआ, बीच में 2 बार पानी भी फिल किया गया था भाई। वॉशरूम का कंडीशन ऐसा है ना कि अगर 5 मिनट भी अगर रह गए ना तो दम घुट जाएगा, वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है और गंदगी भी है भाई साहब। नींबू डालिएगा ना, बिल्कुल भैया जो बोलेंगे वो डालिएगा। बॉइल्ड से ना है क्या?
उबला हुआ बढ़िया मसालेदार चना खाइए, टेस्टी चना मसाला बढ़िया नींबू खटाई में। सही है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन करघी रोड रेलवे स्टेशन पे खड़ी है और यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और अब तक हम लोग लगभग 975 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए हैं। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करना और बाकी है। वैसे अभी जो है अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से दुर्ग के बीच में चलती है। होटल में ले जाके लगेज को साफ़ करना पड़ेगा। हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि को पैसेंजर का जो कैंपर था ना वो लीक कर रहा था, तो पूरा पानी आ गया था कोच के अंदर। उसी में मेरा लगेज का ये हाल हो गया, देखिए पूरा गंदा हो गया, पानी भी यहाँ है हल्का हल्का। अभी होटल में जाएंगे तो इसको साफ़ करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुँचाई है लगभग 2 घंटा 40 मिनट डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन कितनी पंक्चुअल है, 2 घंटा 40 मिनट डिले, आप इसे बैलगाड़ी कह सकते हैं। वैसे इस ट्रेन का 49 हॉल्ट है। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस आप क्या ही बताए भाई, साफ़ सफाई तो इतना ख़राब है स्लीपर क्लास का कि पूछिए ही मत। इंदौर में साफ़ सफाई किया गया, उसके बाद पूरी जर्नी के दौरान एक बार भी वाशरूम का ना साफ़ सफाई हुआ, ना ही कोच का साफ़ सफाई हुआ। बाथरूम इतना गंदा है ना, इतना बदबू दे रहा है कि आप 2 मिनट अंदर में खराब ही नहीं हो सकते हैं। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो इस ट्रेन में साइड पेंट्री, मुझे कहा गया था साइड पेंट्री है, साइड पेंट्री का स्टाफ भी थे, ऑर्डर भी वो लिए खाना का, लेकिन खाना का ऑर्डर लेने के बाद किसी को खाना नहीं दिया गया, लोकल पानी बेचा जा रहा था। हमने बोला भैया लोकल पानी क्यों बेच रहे हो, कहाँ पर है साइड पेंट्री का, किस कोच में लगाए हुए, तो बोले बी वन कोच में। जब गए तो पता चला भाई वो ना पता है, उसके बाद से एक बार भी पूरी जर्नी के दौरान वो देखने को नहीं मिले। मतलब पता नहीं दाल में कुछ काला होगा, इस वजह से वो चले गए होंगे, भाग गए। और एक बार टिकट वगैरह भी जो है ना लास्ट में आके चेक हुआ, पूरी जर्नी के दौरान टिकट भी चेक नहीं हुआ। अगर टिकट चेक होता तो विदाउट टिकट वाले जो पैसेंजर थे ना इस ट्रेन में, कटनी तक पूरा भरा हुआ था भाई, अंदर वाशरूम जाने के लिए जगह नहीं था, वो हाल नहीं होता अगर टिकट चेक किया जाता तो। इस ट्रेन का ये रोज़ का कहानी है, ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा है। इंदौर से निकलती है कटनी तक पूरा पैक रहती है, स्लीपर जो है ना वो जनरल बन के चलता है, रिजर्वेशन का कोई मतलब है ही नहीं। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।